हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम आपके लिए हेल्थ, मिस्टीरियस स्टोरीज और बॉलीवुड से जुड़ी सभी बातें लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। आप भारत में कहीं भी अंडा या ऐसी चीज हर जगह आसानी से खा सकते हैं, इसलिए खाना या फिर पकाना बड़ा आसान है और सस्ता पड़ता है। हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटीन से हमारे शरीर में मसल्स बढ़ने में मदद मिलती है। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन, आयरन जैसे पदार्थ होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अंडे के कौन से हिस्से को खाना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अंडा दो हिस्सों में बटा होता है। जो पहला हिस्सा होता है वो सफ़ेद लेयर और दूसरा भीतर का होता है वो पीला लेयर कहते हैं। अगर हमें स्वस्थ और मसल बनाना चाहते हैं तो हमें सफ़ेद वाला भाग ही खाना चाहिए। आप आनंद लेने के लिए एक या दो अंडे पूरा खा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपको बता दें कि जो सफ़ेद वाला भाग है उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और जो दूसरा हिस्सा होता है या पीला वाला भाग होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, आयरन ज़्यादा होते हैं और साथ में ही पीला वाला भाग ज़्यादा गर्मी देता है, जिससे हमारे शरीर में फोड़ा और खुंसी जैसी बीमारियां होती हैं। अगर आप इतना ध्यान दें कि सभी अंडे का पीला भाग ना खाएं, सफ़ेद वाला भाग में फैट बिल्कुल नहीं होता, जिससे वजन घटाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। और यदि हो सके तो आप देहाती मुर्गी का अंडा खाएं तो ज़्यादा बेहतर है।